नमस्कार और आदाब आज सनीचर है। अक्टूबर के 10 तारीख पेश है आपके लिए सात दिन की खबरें। अक्टूबर के 10 तारीख आज सुरीनाम देश में एक ना चुनाव फ्रे दाह एक छुट्टी का दिन है और दख डेर मारोन से तो सबसे पहले सुरीनाम देश की सभी जनता लेकिन खास तौर पर मारोन भाई बहनों को बहुत से बधाइयाँ और शुभकामनाएँ हम पेश करते हैं दख डेर मारोन्स के मौके पर। अमर रंजीत सिंह ये अक्टूबर के 5 तारीख से SATF का अल्खमेन डायरेक्टर ठहराया गया है। ये रेकी क्रोमोदी हार्जो के जगह पर आए हैं। अमर रंजीत सिंह जो है ये SATF का नया अल्खमेन डायरेक्टर है। इन्होंने कहा है कि ये इस वक्त एक इन्फेंटारी साथी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अख्तर सौंदन है या रेकनिंग और बखरौटिंग तैयार करना है और सबसे ख़ास अहम बात ये है इन कॉम्स्टन और अखाफ देखना चाहिए कौन से आमदनी है और कौन से खर्चा SATF करता है। एक कॉस्ट और बात अनालिस बनाना चाहिए और उसके बाद ये देखा जाएगा कि SATF के फाइनेंशियल हालात किस कैसे है। और ये भी कहा गया है अगर ये पता चल जाएगा तो लोग देखेंगे कौन से मात्र एकलन लेना है क्या आगे करना है। रंजीत सिंह ये बद्रेस इकोनोम है और ये सालों से इनको तजुर्बा है फशेकरिंग्स अपेसन में। ये असूरिया और परसास्को में नौकरी किए हैं और टॉप फंक्शंस में वो काम किए हैं। ये नया अल्खमेन डायरेक्टर SATF का इनको पर्सोनल से परिचय करवाए है फोलक्स सुसंधेत का मिनिस्टर अमर रामाधीन खुद। रॉबर्ट फंत्रेक एक्स गवर्नर जो है सेंट्रल बैंक फंड सुरीनाम का और इनका साक पार्टनर अश्विन अंगनु इन दोनों का मुकदमा सोमवार को जज के सामने पेश हुआ है और काफ़ी लंबा सुनवाई के बाद ये टाल दिया गया है। मुकदमा जारी होगा 26 तारीख नवंबर के 26 तारीख को। इनका जो राजमान है एरविन कन्हाई कहते हैं कि बेकसूर है इनके दोनों क्लियंटन जो ये सब बेकसूर है, ये सब बिना कोई वजह के ये सब कैद में है। वैसे ये कहा भी है कि अगर होफ्द्रात का तलाश लोग करते हैं जो असली गुनहगार है इस मामले में और ये गुनहगार जो है होफ्द्रात अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ है तो भी ये मुकदमा जारी हो सकता है ताकि इनका क्लियंटन जो है इन लोगों को रिहा किया जाए। आपको शायद पता होगा कि फंत्रिक्त और अंगनू ये सब फरवरी महीना से दोनों कैद में है। ये भी हम आपको बता दें या आपको पता है कि ये सब बहुत से ऐसे बेकानूनी काम किए हैं, पैसे के साथ घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद है ये कहा गया है। वैसे ये खबर भी बाहर आई है कि प्रोक्योर जनरल जो है रॉय बैजनाथ पांडे ये एक इंटरनेशनल ऑफस्पोरिंग्स बफेल का गुजारिश किए हैं इंटरपोल से कि दुनिया भर में होफ्द्रात का तलाश किया जाए। ये एक्स मिनिस्टर होफ्द्रात जो इसके तलाश पुलिस कई दिनों से कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये पुलिस के अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किए है तो अब एक इंटरनेशनल ऑफस्पोरिंग्स बफेल है होफ्द्रात के खिलाफ और इसके अलावा दो और लोगों के खिलाफ ये ऑफस्पोरिंग्स बफेल है इंटरनेशनल ऑफस्पोरिंग्स बफेल है। ये है बेला हंस बोस और मैनेजिंग पार्टनर है क्लेयरफील्ड का बेल्जियम का बद्रेफ क्लेयरफील्ड का और नीदरलैंडर रॉबर्ट पुटर। ये तीनों के लिए गुजारिश किया गया है इंटरपोल से इन लोगों के तलाश करने के लिए। ये तीन लोग जो है ये मुकदमा जो एक्स गवर्नर सेंट्रल बैंक फंड सुरीनाम पर इस वक्त चल रहा है रॉबर्ट फंत्रिक और इनके साक पार्टनर अश्विन अंगनू के खिलाफ इस मामला में इन लोगों का नाम भी लिया गया है और ये कहा गया कि इन लोगों के हाथ भी है जो भी कानूनी कार्य हुआ है। स्ट्राफबार स्पेलिंग ये सब ओवर ट्रेडिंग किए हैं, मतलब एक कानून का उल्लंघन किए हैं वेथ स्ट्राफबार स्पेलिंग मनी लॉन्ड्रिंग का और भी बहुत से ऐसे बेकानूनी काम लोग किए हैं जो वेथ बुक फंड स्ट्राफ्रे और एंटी करप्सी वेथ के आधार पर कहा गया है कि ये सब बेकानूनी काम किए हैं। वैसे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पुटर जो है ये ऑफिसर था होफ्द्रात का जब ये गवर्नर था सेंट्रल बैंक फंड सुरीनाम का। पुटर और बोस जो है इन लोगों को मैक्सिमम 10 साल के कैद का सजा हो सकता है और इस मामले में भी फरानास हाउसिल जो डायरेक्ट सिलेट सेंट्रल बैंक फंड सुरीनाम का है
इसको भी पेशतर गिरफ्तार किया गया है, ये भी कैद में है। और गेनमार दो क्रूमोसुतो जो एक्स डायरेक्टर है SPSB सुरीनाम से पोस्पार बांका, ये भी पुलिस के हिरासत में है। ये खबर भी आई है बुध को कि हो सकता है मुमकिन है एक त्रिनिदाद का आदमी, त्रिनिदादियान जो है डेरक राम समूज, इनको भी पुलिस गिरफ्तार किए है। ये पता चला है कि ये SPSB बांका सुरीनाम से पोस्पार बांका ये कंसल्टेंट था, कंसल्टेंट के तौर पर ओपिनी पेलिंग के वास्ते पैसा वसूल किए है जो सही नहीं है। तो ये खबर बुध को भी आई है कि डेरक रामसमूज जो है इनको भी गिरफ्तार पुलिस किए है। रीजनल सिकन हाउस वानी का कहते हैं कि ये सब पूरी तौर से तैयार है अगर एक त्वेद खौलफ सुरीनाम देश में आएगा। पिछले 3 हफ्तों में यह पता चला है कि बसमतिंगन कम हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त फिर से बसमतिंगन दिन पे दिन बढ़ता जाता है। सिकन हाउस जो वानिका का है अलहमीन डायरेक्टर यहाँ का कहते हैं कि यह सब पूरी तौर से तैयारियाँ कर चुके हैं अगर एक त्वेद खौलफ आएगा। जिस समय जिन बीते हुए दिनों में एक डार्लिंग था बसमतिंगन का, तो इन लोगों के पास कुछ समय था और ये समय का लोग इस्तेमाल किए हैं एक एवलुएशन करने के वास्ते। एवलुएशन पर यह देखा गया है क्या ये सब ठीक किए हैं और क्या और बेहतर हो सकता है। इस एवलुएशन में बहुत से लोग शामिल थे जैसे डॉक्टर इत्यादि, मेडिसी, फरप्लेखकुंडखन, डायरेक्टर अनेक सिकन हाउसिन का और मिनिस्टेरी फन फॉलक्स कसौंथे के लोग भी इसमें हिस्सा लिए है। जो क्वारंटाइन पोस्टन था KKF और रेसिडेंस इन जहाँ पर लोग क्वारंटाइन में रखा जाता था, ये 1 अक्टूबर से अब नहीं होता है। ये जो क्वारंटाइन पोस्टन है ये सब बंद किया गया है, सिर्फ रीजनल सिकन हाउस वानिका में लोगों को रखा जाता है। और ये वानिका का रीजनल सिकन हाउस जो है ये पूरी तौर से लोगों का मदद, लोगों का इलाज करते हैं और पूरी तौर से तैयार है। इस वक्त बहुत से लोग अभी अस्पताल में है और ICU यूनिट में भी कुछ लोग हैं और कोविड टेलर जो है ये 106 पर अभी तक रुका है, 106 पर है, मतलब 106 लोगों का देहांत कोरोना वायरस से हुआ है। मिनिस्टर फॉलक्स कसौंथेत कहते हैं लोगों से, जनता से वो गुजारिश किए हैं कि आप लोग ये मात्र एकलन जो है ये अभी तक लागू है इस पर ज़रूर आप गौर कीजिए, क्योंकि अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो उन्हें डर है कि फिर से ये आंताल बसमैतिंगन जो है बढ़ जाएगा और बहुत से लोगों का देहांत हो सकते है ये ख़तरनाक वायरस से। और भी खबर हम आपको बताना चाहते हैं। प्रेसिडेंट संतो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी में कहा है कि जो ओली ब्रोनन है, जो सुरीनाम देश के समुंदर में जो ओली ब्रोनन है जहां तेल मिला है, ये गिरवी नहीं रखा जाएगा। मिनिस्टर आर्मान अचाइबर सिंह फिनेंसिंग और प्लानिंग का मिनिस्टर जो है ये कहते हैं कि सरकार सही कर रहा है अभी से कुछ इन्वेस्टेरिंग करने के लिए, क्यों हम 10 साल इंतज़ार करें ये नया ओली इंडस्ट्री को चालू होने पर। इससे पहले पैसा जो इसका है सरकार जो है अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सरकार के मदद में ये जो लोग कुछ फोर्शॉट लेना चाहते हैं ओली रिजर्व्स का, ये सरकार जो है पूरी तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं देश में जो इतना ज़्यादा कर्जा है इसे चुकाने के वास्ते। इस मामले में सरकार ने बताई है कि बहुत से ऐसे तरीका तलाश किया जाता है जो कर्जा है इसे पूरा तौर से या ज़्यादा हिस्सा चुकाने के लिए अफलॉस करने के वास्ते। फ्रांकरेक का बदरे फ्रांस लाजार जो है सरकार इनका मदद भी लिए है, ये सरकार को राय देते हैं और सरकार को भी मदद करेगा ऑन हैंडलिंग बातचीत करने को IMF से और इंटरनेशनल बैंकन से। सरकार जो है ये बहुत लॉन्ग से इन्वेस्टर्स का तलाश भी करते हैं। सरकार जितना जल्द हो सकता है चाहते हैं कि यह कर्जा जो है पूरी तौर से भरने को या ये जो कर्जा है इसे कम करने को। प्रेसिडेंट संतो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर पेशतर भी ये कहा है कि सरकार 2 मिलियन US डॉलर के तलाश में है, क्योंकि सरकार चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रकम है कर्जा का इसे चुकाने के लिए एक बार में यह पैसा चुकाने को।
ये एक अफवाह है, एक हरख है। ये प्रेसिडेंट भी कहा है कि सरकार जितना जो ओली ब्रोनन है और इसका जो आमदनी अंदर आने वाले है, अभी से इसे गिरवी रखने के लिए ये बिल्कुल सही बात नहीं है। कुछ हिस्सा जो है इसके लिए लोग गिरवी नहीं रखना चाहते, एक फोर्स हॉट लोक लेना चाहते हैं, ओली रिजर्व पर एक फोर्स हॉट लोक लेना चाहते हैं। लेकिन ये सच बात नहीं है कि पूरा का पूरा जो ओली रिजर्व है इसको सरकार गिरवी रखेंगे, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। एक्स मिनिस्टर और पुराना फकबॉन्स लीडर सीगफ्रीड हिल्स का देहांत इसी हफ्ता में हुआ है हॉस्पिटल में। कुछ दिनों ये बीमार थे, हॉस्पिटल में इन्हें लोग दाखिल किए थे और 81 साल की उम्र में एनन तख्तियार की उम्र में बीफे की रात को हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया है। हिल्स जो है ये सालों से फकबॉन्स लीडर था SLM के पास, और फ्रेड डर्बी के देहांत होने के बाद ये फोरशेटर बना था सुरीनाम से पढ़ते फंद आरबेन SPA का। हिल्स 1984 में दिन फीरन तख्त से लेकर 2006 तक 6 बार मिनिस्टर बने हैं। 1984 तख्त में आरबेन का मिनिस्टर, 1984-1985 में हाउसवेस्टिंग एंड सोशल ज़ाकन का मिनिस्टर, 1987-88 में जस्टिसी का मिनिस्टर, 1991-96 तक ये डिफेंसी का मिनिस्टर था, 2000-2005 तक ये जस्टिसी एंड पॉलिसी का मिनिस्टर था, और 2005 और 2006 में ये हंडल एंड इंडस्ट्री का मिनिस्टर था। सीगफ्रीड हिल्स 81 साल 81 यार के हुए हैं। मिनिस्टर दाविद अबिया मोफो एनहा का नतुलके हुलब्रोनन का ये कहे है कि खास प्राइस ऊंचा नहीं हुआ है, खास सिलेंडर का दाम जो है ऊंचा नहीं हुआ है। ये जनता के अंदर ये अफवाह है, ये खबर उनको सुनने में आया है ये कि खास सिलेंडर का दाम ये ऊंचा हुआ है, लेकिन सरकार ऐसा कुछ ऐलान नहीं किए है। सरकार ज़रूर ये कहे है कि सब्सिडी जो है ये निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दाम ऊंचा नहीं हुआ है। तो अभी तक वही दाम जो पेशतरा भरते थे खास सिलेंडर के वास्ते आपको भरना है, कोक खास के बाद हम भरते हैं जिसके साथ लोग खाना तैयार करते हैं। वैसे मिनिस्टर ये भी कहा है अगर ऐसा होगा, खास सिलेंडर का दाम अगर बढ़ाया जाएगा, तो इस बारे में पहले जनता को सोशल पार्टनर्स के साथ पहले बात होगा और तब जनता को ये इतला किया जाएगा। और वैसे इसके लिए भी मिनिस्ट्री फंड इकोनॉमी से सागन के इजाजत के ज़रूरत है, इसको इसके लिए रजामंदी देना है। तो वो छोटे में कहना चाहते हैं कि खास सिलेंडर का दाम जो है ये नहीं बढ़ाया गया है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।